वाकई अगर चुनाव युद्ध है तो आप देख रहे हैं जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेलगावी में है। 500 किलोमीटर की दूरी बेलगावी से लेकर बेंगलुरु तक कवर कर रहे हैं, जिसमें 4 रोड शो, 1 रैली, मंदिर पूजन। अमित शाह जी, पहला सवाल आपसे यही, 113 सीटें अपने बलबूते बीजेपी नहीं जीत पाई है और 40 साल से कोई सत्ता में वापसी नहीं कर पाया है, कौन सी वो निर्णायक बातें आपको लगती है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की इलेक्टोरल सफलता का विगत 9 साल का रिकॉर्ड देखिए, कई जगह पे हमने हमारी सीटें जीतने का, मत प्राप्त करने के, और दूसरा कई जगह हम रिपीट भी हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्र में हम 2 बार सारी जगह पे सरकार बना ली है, उत्तराखंड में बनाए, यूपी में बनाए, बंगाल के अंदर 18 लोकसभा सीटें भी जीते, 77 विधानसभा भी जीते। ये भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो इलेक्टोरल विक्ट्री का रिकॉर्ड है वो ही। अमित शाह जी, आप किस बात पर लड़ रहे हैं, 5 साल के कामकाज पर या दिल्ली के दिग्गज नेताओं के करिश्मे पर? क्योंकि देखिए, पीएम हो आप हो, लगभग 40 से 50 रैलियां तो आपने कर दी हैं। देखिए, दोनों को क्यों अलग कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह को भाजपा से अलग कैसे कर सकते हैं? हमारा तो पूरा जीवन ही भाजपा के लिए है, तो जहां जहां भाजपा की लड़ाई है हम होंगे ही होंगे। मगर हमारे स्थानीय सरकार ने भी 4 साल में येदुरप्पा जी और बसवराज मुंबई ने बहुत अच्छा काम किया है। पहली बार कर्नाटक को सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास का अनुभव हुआ है और मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को डबल इंजन सरकार ने नीचे तक पहुंचा है और कांग्रेस अभी भी तुष्टिकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है, जनता इससे बहुत परेशान है। मैं भी इसी प्रश्न पर आना चाहती थी, कामकाज इतना अच्छा है तो विपक्षी पूछते हैं कि क्या आप हिंदुत्व के पिच पर इस बार सर चुनाव लड़ रहे हैं? आपको मैंने कल भी रोड शो में देखा, जब भी देखती हूँ सबसे ज्यादा आप 4% मुस्लिम आरक्षण हम खत्म कर रहे हैं इस पर जोर देते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि ये मुस्लिम आरक्षण गैर संवैधानिक, संविधान की कोई भी धारा धर्म के आधार पर आरक्षण को सहमत नहीं, और वो जो 4% दिया था वो जिनका अधिकार था उनका छीन कर दिया, तो हमने सामाजिक न्याय को बरोबर करने का काम किया है और तुष्टिकरण की राजनीति का छेद उड़ाने का काम किया, इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से यहाँ तुष्टिकरण की राजनीति कर। तुष्टिकरण की राजनीति 4% मुस्लिम आरक्षण हटाना नहीं है, 4% मुस्लिम आरक्षण देना तुष्टिकरण की राजनीति है, क्योंकि संविधान इसकी परमिशन नहीं देता। लेकिन क्या ये हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए है? लिंगायत, बोकालिंगा, SC, दलित सब भूल जाइए, हिंदू वोट्स कंसोलिडेट हो। देखिए, जरा भी नहीं, आरक्षण देना मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करने के लिए था, इसको हमने विफल किया। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या ये भी हिंदुत्व का एक पिच है? तो आप कहती है कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजा जी और कृपलानी जी, ये सब हिंदुत्व के पुरोधा थे? UCC संविधान के गाइडिंग प्रिंसिपल में रखा है और संविधान सभा ने रखा है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ। आपका तो ये कहना है कि जवाहरलाल जी कॉम्युनल थे, वो छोड़कर गए हैं, कांग्रेस ने जवाहरलाल जी की बात नहीं मानी है, हम मान रहे हैं। आप एक साथ पूरे देश में नहीं राज्यों में अलग अलग ला रहे हैं, इसके पीछे क्या रणनीति? देखिए, कोई रणनीति नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा सामाजिक सुधार है, इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए, ये कंकरण लिस्ट में है, राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार है, पहले कुछ राज्यों में होगा, इस पर बहस छिड़ेगी, उसके बाद इसको अदालत की कसौटी पर भी खड़ा उतरना है और जब पूरे देश में एक व्यापक चर्चा हो जाएगी तब इस पर हम राष्ट्रीय स्तर पर भी सोचेंगे। तीसरा मुद्दा जो हिंदुत्व के पिच पर आप कर रहे हैं वो है जय बजरंग बली। बजरंग बली इज इक्वल टू बजरंग दल कैसे हो सकता है सर? ये जनता को ही पूछिए, आप ये क्यों नहीं, हमने तो बजरंग दल पर बैन लगाने का फैसला नहीं किया, इसमें भी जो बजरंग दल पर बैन लगाने का फैसला है ये कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति का एक प्रकार, अब उल्टा पड़ा तो हम पर आरोप लगे, अगर वो न करते तो क्या होता?
कुछ नहीं होता। उन्होंने चूक कर दी, आपने लपक लिया। लपक नहीं लिया है, ये होना ही था। कंसोलिडेशन अगर आप एक वर्ग का करना चाहते हो तो कभी भी एक और नहीं होता, दोनों साइड पर कंसोलिडेशन होता है, उनको करने से पहले मालूम होना चाहिए। चलिए, बेलगावी से आपको क्या उम्मीद है? पिछली बार 18 सीट, जिसके बाद अगली जगह पर बातचीत करेंगे, आप यहाँ से बेंगलुरु तक जा रहे हैं, क्या सोच है? मतलब ये डायरेक्ट रीच आउट और 18 में से 11 सीटें पिछली बार आई। 15 से 16 सीटों पर हम मिनिमम बेलगावी के अंदर, 15 सीटें, 16 भी हो सकता है।